प्रतापगढ़ में राफेल सहित कई मुद्दों पर बोले पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी। प्रतापगढ़ जिले के लालगंज में आयोजित भगवत दत्त महाविद्यालय के वार्षिक समारोह के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे 9 बार लगातार एक ही सीट व क्षेत्र से विधायक रह चुके पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान राफेल डील सहित कई मुद्दों को लेकर सूबे सहित केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। बुलंदशहर में बड़े हिंसा पर भी बोले सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जो परिसर है उनमें से एक और इस कार्यक्रम में मैं अवश्य आता हूँ क्योंकि एक तरह से मेरे बहुत ही निकटस्थ परिचित हैं। सर, एक मिसेल नाम का जिंद खड़ा हो गया है जिसके लिए बीजेपी जो है कांग्रेस को दे रही है। उसका पूरा नाम है क्रिश्चियन मिसेल, इटली का रहने वाला। एक साल पहले उसका बयान आया कि मेरे ऊपर, उसकी बहन का भी और उसके वकील का, कि मेरे ऊपर तमाम दबाव पड़ रहा है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उनकी एजेंसियां मेरे ऊपर दबाव डाल रही है। नरेंद्र मोदी जी खुद तो नहीं और उनकी एजेंसियां, निश्चित रूप से सरकार की एजेंसियां अगर कह रही हैं तो, कि अगर तुम नाम ले लो कांग्रेस के कुछ नेताओं का तो हम तुम्हें बेदागरी करें। क्रिश्चियन मिसेल की नाराजगी भी हमारे साथ है कि हमने ही उनका खाता सीज किया, हमने ही उसका टैक्स समाप्त किया, हमने ही हमारे से मतलब है यूपीए सरकार ने ही उन पर जुर्माना लगाया। तो उनकी नाराजगी और भाजपा सरकार की तरफ से कोई आज बयान नहीं आया, एक साल पहले उनकी बहन और उनके वकील का बयान आ चुका है कि भाजपा सरकार ये कोशिश कर रही है, उसकी एजेंसियां ही कोशिश कर रही हैं कि कुछ लोगों का नाम इसमें। सर, एक अहम बात है, इस सिद्धू जी बार बार पाकिस्तान जाते हैं और उनके सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता है कि उनके सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, ऐसा बीजेपी का है। बीजेपी का पूरा मतलब होता है भारतीय झूठी पार्टी। वो पूरा टेप आ गया, ट्यूटर्ड है। सत श्री अकाल का जो नारा लग रहा था उसको उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद, ये कोई पहली बार नहीं हुआ, कई बार ट्यूटर्ड आते हैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ मेरे साथ बैठकर सिद्धू जी ने फुल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनौती दी कि मेरे सामने लाकर दिखाया जाए वो जो टेप हुआ। सारे चैनल से कह दिया एक को छोड़कर कि नहीं, ये कहीं नारा नहीं लगा था पाकिस्तान जिंदाबाद का, सत श्री अकाल का नारा लगा। सर, सूबे में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से पूरा